नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों, सोशियोलॉजी में अब तक हम लोगों ने 2019 तक के क्वेश्चन बैंक कर लिए हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2020 के क्वेश्चन बैंक की। तो चलिए देखते हैं 2020 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है, ठीक है। दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है। दोस्तों जातिवाद का दुष्परिणाम हो जाएगा सामाजिक समस्याओं में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपका है, बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बाल अधिकार के लिए दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, निम्न में से कौन सा एक वर्ग है, तो वर्ग इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ब्राह्मण एक वर्ग हो जाएगा इसमें ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चौथा आपका है, दादी नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों मैंने बताया था क्या कि जो भी आपके, ठीक है, पिता से या माँ से, ठीक है दोस्तों समझिएगा थोड़ा सा, जो भी आपके माता से या पिता से क्या होगा सीधा संबंध होता, जिनका भी आपके माता से सीधा संबंध हो या पिता से आपका सीधा संबंध हो, तो क्या होंगे वो द्वितीय श्रेणी में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दादी का संबंध किससे है आपके पिता से है सीधा संबंध, ठीक है। क्योंकि पिता की दादी क्या है, पिता की माँ है, तो सीधा संबंध है आपसे पिताजी से, तो इसलिए जिनका भी आपके पिताजी से सीधा संबंध होगा वो क्या कहलाएंगे आपके द्वितीय श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो इसका चौथा का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की। पाँचवा कहता है, घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है। तो घरेलू हिंसा का तात्पर्य दोस्तों पारिवारिक हिंसा से है, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। छठा प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन नगरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का दर्शाता है। तो नगरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाने वाला क्या है, तो व्यापार और वाणिज्य वृद्धि, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, क्योंकि पारिवारिक संरचना परिवर्तन आपके सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को, हाँ ये एक मिनट दोस्तों, इसके आंसर मेरे ख्याल से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फोर होगा, क्योंकि व्यापार और, एक मिनट क्या कह रहा क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, निम्न में से कौन नगरीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को दिखाता है। तो नगरीकरण के व्यापार और वाणिज्य विस्तार तो पक्का की होगा, करेगा होगा, तो पारिवारिक संरचना में परिवर्तन, पारिवारिक संरचना में परिवर्तन नगरीकरण के प्रभाव नहीं, नगरीकरण का प्रभाव पारिवारिक संरचना में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। गंदी वस्तु का विकास भी होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसको हम नहीं लेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट के साइड जाएंगे, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका मेरे ख्याल से पहला होना चाहिए, ठीक है। सातवां की बात करें, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों यह हुआ था 1955 में, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आठवां है, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद सिद्धांत का किसने दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आत्मवाद का सिद्धांत है, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर टाइलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 100% करेक्ट आंसर है। अगर मैंने इसका आंसर पिछले वीडियो से मैं कुछ और बताया होगा तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यार अब ये कंफर्म है कि इसका आंसर क्या होगा, टाइलर होगा, ठीक है। आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो टाइलर ने दिया है, इस बात को याद रखिएगा। दुर्खिम नहीं होगा इसका आंसर, इस बात को ध्यान रखिएगा, दुर्खिम नहीं होगा, ये आपका टाइलर होगा। नौ आपका है, निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है। तो सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं कौन सा, इसमें आपका परस्पर विश्वास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। दसवां है, निम्न में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वो काका कालेकर आयोग था, और उनके अध्यक्ष भी काका कालेकर साहब थे, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्यारह में है, समाजशास्त्र के जन्म किस देश में हुआ था। तो समाजशास्त्र का जन्म दोस्तों फ्रांस में हुआ था, क्योंकि अगस्त कॉम्ते फ्रांस के थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बारह में है, निम्न में से कौन एक, सॉरी निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। तो वैश्वीकरण का प्रभाव इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, तो राष्ट्रीयकरण आपका वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तेरह में है, प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो प्राचीन भारतीय समाज आपका चार वर्गों में विभाजित थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका है, धर्म में टोटम वाल का सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों
टोटमवाद का सिद्धांत, बहुत सारे नाम आते हैं, स्पेंसर का भी नाम आता है, ठीक है, और भी सारे हैं, लेकिन बात यहाँ पे हो रही भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आपका दुर्खिम हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग पहले के साथ जाइएगा। 15 की बात करें, भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है, तो राष्ट्रीय एकता में बाधक आपका जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मांतर सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। 16 में है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो इंडियन सोसाइटी एससी दुबे ने लिखे हैं, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 17 में है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषता आपका क्या हो जाएगा, अस्थायी अवधारणा नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा इसका। 18 में है, निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है, तो भारतीय समाज की विशेषता अनेकता में एकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 19 में है, नातेदारी की श्रेणियां कितनी हैं, तो नातेदारी की 3 श्रेणियां हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 20 में, निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, तो सामाजिक परिवर्तन का कारण आपका कौन सा नहीं होगा, तो आपका परंपरा परिवर्तन का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 में, निम्न में से कौन औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है, तो औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम इसमें संयुक्त परिवार का विघटन, महिलाओं को रोजगार, जाति प्रथा निर्भर होना, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 22 में है, निम्न में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, तो सामाजिक स्तरीकरण का आधार आपका संस्कृति नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 23 में है, किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है, ठीक है, किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है, तो दोस्तों संविदा से आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, संविदा मतलब यहाँ पर क्या है, समझौता से है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम विवाह में क्या है, समझौता माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 की बात करें, निम्न में से कौन मादक द्रव्य व्यसन एवं मद्यपान का कारण है, तो मादक द्रव्य व्यसन का कारण आपका सुख की इच्छा भी है, निराशा भी है, बुरी संगति, सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा आप लोग। 25 की बात करें, निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है, तो दोस्तों अनुसूचित जाति पासवान, मांझे, रविदास है, कुर्मी अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 26 में है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो एक हमको चुनना है, तो जाहिर सी बात है हिंदी चुनेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 की बात करें, समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है, तो समाज का निर्माण व्यक्तियों से तो होता ही है, संस्था भी होते हैं और सामाजिक संबंधों से भी होता है, ठीक है, संस्थाओं से दोस्तों आप कन्फ्यूज मत होइएगा, परिवार भी एक संस्था होती है, इसलिए परिवार यहाँ पर समझ लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। फिर है, मॉडॉक के अनुसार विवाह का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों मॉडॉक की जो परिभाषा है विवाह का, उसमें आपका यौन इच्छा की पूर्ति भी आता है और बच्चों का पालन पोषण भी आता है, आर्थिक सहयोग भी आता है, तीनों आता है परिभाषा में, इसलिए हम लोग इनमें से सभी के साथ जाएंगे। फिर बात करते हैं 29 की, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस दिशा में संबंधित है, तो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से आपका नैतिक पतन होगा, गरीबी भी पैदा होती है और मद्यपान का सेवन तो हम लोग करते ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 की बात करें, किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था, तो दोस्तों पैशाच विवाह की बात हो रही, तो ये आपका हिंदू समाज में होगा, क्योंकि हिंदू समाज में 8 प्रकार के विवाह है, उसमें से एक विवाह आपका पैशाच विवाह भी है, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 31 की बात करें, हिंदू विवाह में कितने स्वरूप है, तो अभी जस्ट बताए हैं हिंदू विवाह में 8 प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 32 में है, निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू हुई थी, तो काम के बदले अनाज योजना 1977 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है, तो ये आपका ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हिंदू धर्म, ठीक है। फिर आपका है, निम्न से कौन जाति नहीं है, तो जाति इसमें आपका ठीक है ब्राह्मण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीनों नहीं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे ब्राह्मण नहीं होगा, यहाँ पे शूद्र हो जाएगा, ठीक है। शूद्र क्या हो जाएगा आपका, वर्ण है, ठीक है, तो शूद्र इसमें क्या आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 35 में है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो यह पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी, ठीक है। 36 में है,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यह हुआ था आपका 1990 में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? तो ये आपका एम एन श्रीनिवास ने, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 38 में पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 39 में है हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? तो हिंदू विवाह का कौन स्वरूप है? तो ये दोस्तों आर्स विवाह है वो, जिसमें एक जोड़े बैल और गाय की मांग की जाती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 40 है किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी? तो बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 41 में है जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यह हर्बर्ट रिजले ने है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत हर्बर्ट रिजले ने दिया है। फिर आपका है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो ये आपके कैलाश सत्यार्थी है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं 43 में क्या है, तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की है? तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना आपका मार्क्सवादी लोग करते हैं, तो इसमें आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। 44 में है निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो वर्ग इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? राजपूत वर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजपूत जाति हो जाता है। 45 में है दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके अंबेडकर साहब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 46 है समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला अगस्त कॉम्ते। ठीक है, 47 में है निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो सामाजिक समस्या इसमें आपका आधुनिकीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 48 में है भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो दोस्तों इसमें आपका सभी हो जाएंगे, धर्म की प्रधानता, पुनर्जन्म विश्वास और कर्मफल विश्वास, ये सभी ऑप्शन के अनुसार सभी हो जाएंगे। 49 में है निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो जनजाति आपका इसमें चौपाल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 50 में है हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है? तो अमान्य में आपका असुर विवाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भगा के ले जाना, भगा कर शादी कर लेना, यह असुर विवाह कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा मान्य नहीं है। 51 बात करें जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियाँ हैं? तो दोस्तों जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की 8 विधियाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। 52 में है भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तो ये आपके 4 आश्रम थे, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर है बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? तो ग्रामीण विवाद की बात हो रही है तो यह ग्राम कचहरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फिर है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? तो एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। फिर है बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी? तो ग्राम पंचायत दोस्तों शुरू तो हो गया था 1947 में ही, ठीक है, लेकिन त्रिस्तरीय वाली जो बात आती है वो आपका 1969 में शायद आया था। ठीक है, 1968-69 में त्रिस्तरीय वाली बात आई थी, लेकिन ग्राम पंचायत की स्थापना 1947 में हो चुका था। ठीक है, फिर है किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो जाति एक बंद वर्ग है, ये मजमूदार ने कहा है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है? तो मानव तस्करी में आपका अंगों का निष्कर्षण, वेश्यावृत्ति, ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, 58 में है भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो उपनिवेशवादी शासन के साथ आपका राजनीतिक अस्थिरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। 59 में है निम्न में से कौन समाजशास्त्र में भारतीय विधा शास्त्र उपागम के समर्थक है? तो भारतीय विधा शास्त्र उपागम के समर्थक आपके आर के मुखर्जी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु के समूह को दिया जाता है? तो बेरोजगारी भत्ता दोस्तों 18 से 25 वर्ष वाले को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये किसने शुरू किया था? तो नीतीश कुमार ने शुरू किया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 2020 के प्रश्न, उम्मीद है आपने सारे प्रश्न कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 2021
21 की मोटर सेल के साथ, सॉरी मेरे को कहते हैं कोचर बैंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।